आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, बॉक्स कार हीलियम फिल्ड बलून इज टाइड टू द फ्लोर विथ अ स्ट्रिंग, कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, इफ सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हाट हैपेंस टू द बलून, विल इट जग फॉरवर्ड बैकवर्ड और रिमेन एट द सेम। ओके, तो क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास एक कार है, ऐसे ये कार है मेरे पास और इसमें एक ये बलून है जो ऐसे ग्राउंड से बंधा हुआ है। आप सोच रहे हो कि बलून है ये ऐसे ऊपर कैसे उड़ सकता है, तो गाइज इसमें हीलियम गैस फिल हुआ है और हीलियम गैस इतनी हल्की होती है कि ये हमेशा ही ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो इसलिए ये रस्सी जो होती है ये टॉट होती है। ठीक है, रस्सी जो होती है ये टॉट होती है क्योंकि ये स्ट्रिंग जो होता है ये हमेशा ये बलून जो होता है ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है। बचपन में हम लोग देखे होंगे कि हम लोग के गाँव में ऐसे एक गुब्बारे वाला आता था, वो बलून को छोड़ने पर बहुत ऊपर चला जाता था, वो हीलियम वाली ही बलून होती थी गैस, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखती है। ओके गैस, तो ये बलून जो है ये ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि ये कार जो है ये डेफिनेटली किसी वेलोसिटी से चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, ड्राइवर जो है बहुत तेज इसको चला रहा है और सडनली वो ब्रेक लगा देता है। ठीक है, सडनली क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है। तो गैस इसकी जो टेंडेंसी थी, सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग समझते हैं। अगर ये कार अगर V से चल रही थी तो डेफिनेटली ये बलून भी V से साथ में चल रहा था। ठीक है, डेफिनेटली क्या, ये बलून भी V से साथ में चल रहा था क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इस पर कोई फोर्स पीछे की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। क्योंकि बलून फील्ड कार विद स्ट्रिंग मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, स्पीड के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की है, स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग ये मान रहे हैं कि ये सीधा खड़ा हुआ है ऐसे। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होता आगे की तरफ तो डेफिनेटली इस पर कोई एक स्यूडो फोर्स पीछे लगता, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो ये बलून भी सिंपली वी वेलोसिटी से आगे चल रहा होगा। अब क्या कर रहा है कि ड्राइवर जो है ये गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। अब ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक लगा देता है लेकिन बलून के पास तो ब्रेक नहीं है ना, बलून के पास तो ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो बलून के पास जब ब्रेक नहीं है तो ये क्या होगा, बलून इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्सिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपने स्टेट को बनाए रखने की टेंडेंसी रखती है। इसका मतलब कि अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगाया जाए, जो रुकी हुई ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई रहेगी और जो चलती हुई ऑब्जेक्ट है वो चलती हुई रहेगी। मतलब कि हमारे पास अगर एक ब्लॉक है, ये रुका हुआ है तो ये तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और अगर ये चल रहा है किसी वेलोसिटी वी से तो ये तब तक चलेगा जब तक कि इस पर एक्सटर्नल ब्लॉक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ना रोका जाए। ठीक है गाइस, तो एक्सटर्नल फोर्स के अभाव में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को, अपने स्टेट को बनाए रखने की टेंडेंसी रखती है, वही स्टेट को कंटिन्यू रखने की टेंडेंसी लगती है और इसको हम लोग कहते हैं इनर्सिया। तो डेफिनेटली अगर ये वी वेलोसिटी से चल रहा है और इस ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगा दिया, लेकिन इस बलून के पास तो कोई ब्रेक नहीं है और ये भी वी वेलोसिटी से चल रहा था, तो ये वी वेलोसिटी से ही चलने की टेंडेंसी रखेगा और इसी टेंडेंसी की वजह से गाइस ये आगे की तरफ झुक जाएगा। मतलब ये बलून फाइनली कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये बलून ये अगर इधर की तरफ चल रहा है तो बलून थोड़ा आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनर्सिया की वजह से इसको अपने स्टेट को बनाए रखने की टेंडेंसी होगी, इसलिए जब ये गाड़ी रुकेगी तो ये तुरंत ना रुक के थोड़ी देर बाद जाके रुकेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इनर्सिया होगा। ठीक है गाइस, तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि जो बलून है वो फॉरवर्ड जर्क होगा। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।